गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ज्योति गार्डनिंग टिप्स में आपका वेलकम करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने एक ट्रे रखी हुई है। ये मैं काफ़ी ऐसे ट्रे रखती हूँ ग्रो करने के लिए बीज। ये मैंने वर्मी कंपोस्ट कोकोपीट रख रखा है। इसमें सारी चीज़ मैंने मिला रखी है, नीम की खली मिला रखी है, वर्मी कंपोस्ट मिला रखा है, मिट्टी मिला रखी है और फंगल इन्फेक्शन की जो वो दवा रहती है वो भी इसमें मैंने डाल रखी है। अब जैसे कि गर्मी का मौसम है और बारिश की जो वेजिटेबल है उनके बारे में अभी से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसमें कॉलीफ्लावर ग्रो करने जा रही हूँ। उसके लिए पहले हमको पौध तैयार करनी पड़ती है। जब छोटे छोटे बेबी प्लांट निकल आते हैं और वो 10-12 इंच के हो जाते हैं तब हम उसे किसी अच्छे बड़े ग्रो बैग में या बड़े पॉट में हम उसको अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ताकि हम अभी ग्रो करेंगे तो हमको बारिश के मौसम में अच्छी अच्छी काली फ्लावर घर की खाने को मिलेगी। मैं कीटनाशक दवाओं का यूज नहीं करती हूँ। मैं जो घर की जो बनी हुई नीम का ऑयल है पेस्टिसाइड के रूप में, उसी को मैं उपयोग में लाती हूँ। अब आप देख रहे हैं बीज जो है वह भी मैं हमेशा अच्छी कंपनी के लाती हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये पर्ल वाइट कॉलीफ्लावर ये मैंने रखा है। तो मुझे आपसे यही कहना है कि जब भी आप बीज दें तो एक्सपायरी डेट देख के लें और अच्छी कंपनी के ही लें। अब आप देख रहे हैं मैं इसमें फिंगर की सहायता से ऐसे लाइन कर रही हूँ। आप ऐसे करके इसका बेड तैयार कर लें। आप इसकी ये तीन ऐसे लाइन बना लें। जब आपने लाइन बना दी, अब आप ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये कॉलीफ्लावर सीड से, अब मैं इसको थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे बुरक दूंगी। ऐसे हमने पूरे तीनों लाइन में बुरक दी। अब हम इसको ऐसे हाथ की सहायता से पूरा प्लेन कर लेंगे ताकि बीज जो है वो हमारे अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इसके ऊपर से ये थोड़ा थोड़ा सा कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का जो मिश्रण है वह हम इस पे बुरक देंगे ताकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और कोकोपीट जो है वह नमी बनाए रखता है ताकि जो भी छोटे हमारे बेबी प्लांट निकले वह इसमें सूखे नहीं। और जब भी आप वाटरिंग करें तो मेरी बहनों ये भाइयों ये ध्यान में रख के करें कि एकदम तेज प्रेशर से कभी वाटरिंग ना करें, क्योंकि तेज प्रेशर से आपके जो बीज है वह जो है सेट नहीं हो पाएंगे, हिल जाएंगे तो आपके प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। कुछ मेरे जो बहन भाई है वो कहते हैं कि जो प्लांट है हमारे यहाँ उगते नहीं है, तो वो इसीलिए नहीं उगते कि आप प्रेशर से पानी डालते हैं तो उससे वह हिल जाते हैं। अब आप देखिए मैं बिल्कुल ऐसे हल्के हल्के से शावरिंग जैसे इसमें थोड़ा थोड़ा सा हल्के हल्के शावरिंग जैसा इसमें करूंगी ताकि वो जो बीज है वह हिले नहीं और अपनी जगह सेट हो जाए। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी, ऐसे ऐसे शावरिंग जैसे कर दूंगी हल्का सा। इसको हल्के हाथ से इसे प्रेस कर देंगे ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। तो मेरे आपने देखा मैंने वीडियो बनाया, कुछ दिन बाद जब 10-15 दिन हो जाएंगे तब वो छोटे छोटे मेरे बेबी प्लांट निकल आएंगे जिसे मैं बाद में बड़े ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट करूंगी। तब मैं वीडियो बनाऊंगी, फिर आप उसे और देखिएगा ताकि आपको थोड़ा उससे नॉलेज मिल सके।